तो आप सबने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हिरण्यकश्यप को, और यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि वह तो अमर हो चुका है, क्योंकि उसके सामने मृत्यु के हर कारण को विजय प्राप्त कर दी गई है। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने सारे पाप, निर्दयता और क्रूरता के सभी हदों को पार कर दिया और ब्रह्मांड से चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। समस्त लोगों में हिरण्यकश्यप का डंका बजने लगा, हर जगह दानवों का राज हो गया और भोले भाले सज्जन व्यक्ति जान बचाकर भागने लगे। उसके आतंक से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। दुष्ट हिरण्यकश्यप से भयभीत होकर सभी मनुष्य, ऋषियों और देवताओं को भगवान विष्णु के शरण में जाना ही एकमात्र उपाय लगा। अतः सभी देव देवताओं ने मिलकर क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान विष्णु की आराधना की। जल्दी मैं स्वयं अवतरित होकर इस हिरण्यकश्यप से आप सभी को मुक्त करवाऊंगा। तो जाओ, जल्दी मैं पृथ्वी पर अवतरित हूँ। देवताओं का बात सुनकर भगवान विष्णु ने उन लोगों को आश्वासन दिया कि वो खुद धरातल पर आएंगे और सबका उद्धार करेंगे। इसी बीच अरे देवता, इस दैत्य पत्नी को बंदी बना लो। इसके गर्भ में कुछ हिरण्यकश्यप की तरह एक और बालक पल रहा है। हिरण्यकश्यप की तपस्या के वापस आने तक श्रीमती नारद ने आश्रम में ही रुकी रही। इस दौरान नारद जी ने भगवान नारायण के दिव्य स्वरूप एवं उनकी भक्ति पर कई सारे उपदेश दिए। अब आइए देखते हैं कि महर्षि नारद के आश्रम में क्या हुआ। एक दिन की बात है, जो ये जान लेता है कि वह संसार से परे और उसका अस्तित्व इस शारीरिक जीवन से बढ़कर है, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने योग्य है। भगवान श्री हरि ही समस्त ब्रह्मांडों के पिता, उन्हीं से सृजन, उन्हीं से पालन पोषण और उन्हीं से सर्वनाश होता है। उन्हीं की भक्ति एक परम दिव्य ज्ञान संसार का। Thank you.
देवर्षि नारद द्वारा बताए गए, देवर्षि नारद द्वारा बताए गए अमृत तुल्य शब्दों का कयाधु के घर विपल रैक प्रहलाद ने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और ग्रहण किया। कुछ समय बाद प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ और समय के साथ उन्होंने बाल्यावस्था में प्रवेश किया। गुरुकुल में वे कभी भी अपने शिक्षकों की बात नहीं मानते थे, क्योंकि वे सदैव भगवान की भक्ति और हरि नाम में व्यस्त रहते थे, जैसा आप सबने कथा में सुना है। हिरण्यकशिपु के गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, शंख और अमर। प्रहलाद की शिक्षा का जिम्मा इन दोनों पर था। यह दोनों सदैव उन्हें सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान देने की कोशिश करते थे, परंतु वे कभी भी श्री भगवान के जीतने श्री भगवान के अलावा किसी भी विषय पर ध्यान नहीं देते थे। आइए देखते हैं कि ये दोनों शंख और अमर प्रहलाद महाराज को कैसे शिक्षा दे रहे हैं। प्रहलाद, आज हम तुम्हें ज्ञान देने आए हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। ये लाइफ तुम्हें दुनिया की हर चीज जीतने को मिली है, इस लाइफ को भूल के जियो। इस लाइफ इन साइड अपनी पावर से इस दुनिया को कंट्रोल करो और कर लो दुनिया मुक्ति में। उसी समय एक दिन की बात है जब प्रहलाद महाराज गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करके घर पे आते हैं और हिरण्यकशिपु से बात करते हैं। इसको लाइट ऑन कस्टम फ्लैश ऑन कौन सी बात सबसे अच्छे लगे। प्रहलाद को अपने पास बुलाया और फिर से वही पूछा
Thank you.
छोटे
हरी बोल।